नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। देश भर में कैंसर की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम। चिकित्सकों ने कैंसर की पहचान, परहेज और उपचार के दिए कई महत्वपूर्ण सुझाव। अब खबरें दिखाते हैं आपको कैंसर के प्रति देश भर में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित हुए कार्यक्रमों की। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर की खबर से, जहां नवजीवन हॉस्पिटल में ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर समीर गुप्ता, एम्स नई दिल्ली के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमन कैन, नवजीवन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ब्रजेश सिंघल, ब्रह्म कुमारीज में भोपाल जोन के निदेशक अभी के अवधेश, ग्वालियर के गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर की प्रभारी बीके ज्योति की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी डॉक्टर्स ने कैंसर की पहचान, रोकथाम और उपचार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो वहीं बीके अवधेश ने शरीर में हुई किसी भी बीमारी का मूल कारण नकारात्मक विचार शैली और अनियमित दिनचर्या को बताया। इससे बचने के लिए जीवन में मेडिटेशन और व्यायाम को शामिल करने का आग्रह किया। ऐसा ही कार्यक्रम ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल में आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारीज के लश्कर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके आदर्श, राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद, डॉक्टर गुरुचरण मुख्य वक्ता और हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बीआर श्रीवास्तव मुख्य अतिथि रहे। डॉक्टर बीआर श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कैंसर जैसी बीमारी में शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करने के कारण व्यक्ति नकारात्मक चिंतन करने लगता है, जिसे व्यक्ति के उपचार में बाधा आती है। इसीलिए सदा ही सकारात्मक चिंतन करें। कार्यक्रम में आगे बीके आदर्श ने स्वस्थ रहने के लिए व्यसनों का त्याग करने, खानपान शुद्ध रखने और रोजाना मेडिटेशन करने की सलाह दी। इसी कड़ी में अब खबर दिखाते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां शिव स्मृति भवन सेवा केंद्र में मेडिकल विंग के सहयोग से कैंसर जैसी बीमारी से जंग जीते हुए लोगों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा पांडे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना समेत चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने कैंसर से जुड़ी कई सावधानियां दी। इसी तरह राजकोट के पंचशील, राजस्थान के भीनमान, मध्य प्रदेश के मंडला, यूपी के हाथरस, पंजाब के पठानकोट, हरियाणा के जिंद में भी ऐसे ही कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चलिए दिखाते हैं उसकी कुछ झलकियां। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लंदन द्वारा एक ऑनलाइन टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें चर्चा का विषय रहा स्व संप्रभुता के माध्यम से एक स्वर्ण भारत। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका अभी के संतोष इस टॉक की मुख्य वक्ता रही। उन्होंने भारत को स्वर्णिम भारत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातों की ओर सभी का ध्यान खिंचवाया। आत्मा के पास सब कुछ है, सुख शांति है, माना सब कुछ है, हम तो यहाँ किस लिए हैं? देने के लिए। तो अगर हमारे आसपास साधन भी हैं, उससे हमें दूसरों को सुख देना है, तो ये स्व राज्य को वापस करना है। तो जब एक व्यक्ति ऐसा बन जाता तो एक से अनेक बनने में फिर देरी नहीं लगती, लेकिन वो एक उसमें स्थिर होना चाहिए। इस चर्चा का शुभारंभ शानदार कल्चरल परफॉर्मेंस से हुआ और अंत भारत के राष्ट्रगान से हुआ। जना गाना माना अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इंडोनेशिया की राजधानी बाली में भारतीय कंसुलेट जर्नल ऑफ इंडिया में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ,
जिसमें ब्रह्म कुमारीज में बाली की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके जानकी भी शामिल हुई। पूरे कार्यक्रम में 100 से भी अधिक जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहीं। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।